दिल्ली इंडिया की राजधानी, और एक ज़माने में जब शाहजहां ने अपनी सल्तनत की राजधानी को आगरा से दिल्ली में बदलने का फैसला किया था, तब निर्माण हुआ था यमुना नदी के किनारे दिल्ली के लाल किले का। इसको पूरा बनने में लगभग 9 साल लगे थे, जिसकी लागत उस समय के हिसाब से 1 करोड़ रुपए आई थी। 18 अप्रैल 1648 जब लाल किले का निर्माण पूरा हुआ। आज भी इस लाल किले का वर्चस्व उसके इतिहास के साथ साथ आज के राजनीतिक पहलू से भी जुड़ा है। लाल किला भारत में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले टूरिस्ट प्लेसेस में से आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और लाल किले को देखते हैं, जानते हैं थोड़ा और करीब से। Hi everyone, my name is Suraj and once again welcome back to our channel Tripo Guide. चाहे आप दिल्ली में रहते हो या दिल्ली के बाहर हो, रेड फोर्ट के बारे में जानना चाहते हैं, अभी तक आप आए नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए एक अच्छा खासा वर्चुअल टूर हो सकता है, जहाँ पर आपको रेड फोर्ट से जुड़ी हुई काफ़ी सारी चीज़ देखने को मिलेंगी, इन्फॉर्मेशन मिलेगी। थ्रू आउट द वीडियो मैं आपको वीडियो भी दिखाते जाऊँगा, इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करते जाऊँगा। तो चलिए अब चलते हैं रेड फोर्ट के अंदर और देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या चीज़ है जो इतना ज़्यादा टूरिज्म यहाँ पर आता है, इतने सारे लोग यहाँ पर आते हैं। लेट्स फाइंड आउट दिल्ली का लाल किला रेड फोर्ट। लाल किले की शुरुआत होती है लाहौरी गेट से। किले के 5 मेन गेटों में से लाहौरी गेट से ही आपकी एंट्री होती है, जो सीधा आपको छत्ता बाजार तक पहुंचाती है, जिसे मीना बाजार के नाम से भी जाना जाता है। मुगल दौर में यहाँ पर दुनिया भर से लाई गई नयाब चीजें आया करती थी, ताकि शाही महल के शाही लोग बाजार कर सके। बाजार से सीधा निकलकर आप पहुंचते हैं नौबत खाना में। ये जगह है जहां से महाराज या उनके मेहमानों की आने की जानकारी दी जाती थी। पूरे दिन में 5 बार यहां पर संगीत की महफिल भी सजती थी। नौबत खाना के बिल्कुल सामने है दीवाने आम। इस जगह से बादशाह अपनी जनता की फरियाद को सुनते थे। इसके बीचों बीच है संगमरमर का मंडप। ये वो जगह है जहां बादशाह बैठते थे और जनता से बातचीत करते थे। मंडप पे बनी नकाशी और कला का वो नमूना है जो आज भी कलाकार लोग देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इसके बाद आता है रंग महल, जो बादशाह और शाही घराने के लोगों की मनोरंजन की जगह थी। इसकी बनावट और कारीगरी का काम देखकर शाही रंग झलकता है। दीवाने खास, ये जगह बादशाह के निजी दर्शन का कक्ष था। यहाँ पर ही जड़ा था कोहिनूर हीरा, जिसे बाद में लूट लिया गया। संगमरमर पे की गई कारीगरी आप देख सकते हैं। इसके साथ ही है खास महल, जो बादशाह का महल था, जिसको 3 हिस्सों में बांटा गया था, सोने का कक्ष, प्रार्थना का कक्ष और बैठक। मुमताज महल, ये शाही राजकुमारियों का निवास स्थान हुआ करता था। दीवाने खास के दक्षिण तरफ है हमाम खाना, जहां पर शाही घराने के लोगों के लिए स्नान गृह बनवाया गया था, जिसमें बने फव्वारे, नकाशियां का काम एकदम शाही है। मोती मस्जिद, ये मस्जिद औरंगजेब ने अपने लिए बनवाई थी। यहाँ से आगे जाके आता है 4 बार, जिसको बेहतरीन तरीके से बनाया गया था। बीच में है पानी की नहर, जो बाकी महल की जगहों से जुड़ती हुई जाती है। लाल किले को बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही नायाब तरीके से बनाया गया था, और ये भी कहा जाता था कि धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो वो यही है। अभी के समय पर यहाँ पर म्यूजियम को भी बनवाया गया है, ताकि लोग संरक्षित करी गई चीजों को देख सके। लाल किले को देखने के लिए लगभग 3 से 4 घंटे लगते हैं। आप चाहे तो गाइड की भी मदद ले सकते हैं, उनको बुक कर सकते हैं, जिसके चार्जेस आपको 150 रुपए से लेकर 350 रुपए तक देने पड़ सकते हैं। लाल किला पहुंचने के लिए सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है लाल किला, जामा मस्जिद और चांदनी चौक।
टिकट काउंटर से मेन गेट तक पहुंचने के लिए आपको ई रिक्शा की फैसिलिटी मिल जाएगी जो कि मिनिमम चार्जेस पर है। बेहतर होगा आप ऑनलाइन टिकट बुक करके आए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप टिकट बुक कर सकते हैं। तो ये था हमारा लाल किले का पूरा सफर। सो दोस्तों, रेड फोर्ट का जो पूरा एरिया काफ़ी बड़ा है, घूमते घूमते काफ़ी थकावट हो गई है। तो ये था पूरा वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेशन के साथ, वीडियो टूर के साथ। दिल्ली में हो, आना चाहते हो तो भी इसको, इस वीडियो को देखे काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। दिल्ली के बाहर हो भी, आप दिल्ली में आने वाले हैं, ट्रैवल करने वाले हैं, तो भी आपके लिए वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, जिसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन है और विजुअल्स भी हैं, ताकि आपको मालूम पड़ पाए किस तरह का रेड फोर्ट का एक्सपीरियंस आपका रहने वाला है। जो भी जानकारी रह जाएगी वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे डाल दूंगा, वहाँ पर भी आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, मैं होप करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ट्रिपो गाइड के पार्ट बने। हम इस तरह के ट्रैवल वीडियोज़ लाते रहते हैं, अभी के लिए हम दिल्ली की वीडियोज़ बना रहे हैं, फिर जैसे हम बाहर जाएंगे आउट ऑफ दिल्ली तो वो वीडियोज़ भी आपके लाते रहेंगे। अगर आप कमेंट करके हमें बताना चाहते हैं कि किस तरह का वीडियो आप देखना चाहते हैं, क्योंकि ये वीडियोज़ एक्चुअली बन आपके लिए रहा है, अगर आप हमें बताएं कमेंट करके कैसा वीडियो आप देखना चाहते हैं, तो स्पेसिफिक कोई लोकेशन भी हम आपके लिए कवर करके लेकर आएंगे। आज के लिए बस इतना ही, बहुत जल्दी आपके लिए हम नया वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए देखते रहिए ट्रिपो गाइड को। थैंक यू।